गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। 15,000 के अंदर आप इसे काफी सारे लोग ऐसा फोन ढूंढ रहे होंगे जिसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें हो, जिसमें भाई वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो, अच्छी डिस्प्ले हो, अच्छा प्रोसेसर हो और अच्छा कैमरा हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में आज हम लोग दोस्तों एक ऐसे ही फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका नाम दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों उस फोन का नाम है रेडमी नोट 10s। ये दोस्तों 3 वेरियंट के साथ आता है, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। और इनकी प्राइस दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए भाई शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों Redmi Note 10s। बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड MI Xiaomi Redmi Note 10s। बैक साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट फीचर्स, 64MP AI क्वाड कैमरा, फुल HD+ AMOLED डॉट डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, हेलियो G95 प्रोसेसर, 5000mAh की बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग, वो भी भाई इन द बॉक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सेल तो सही है। चलो हम लोग इसको ओपन करते हैं अपने स्पेशल चाकू से। इसको रखते हैं साइट में और यहाँ से दोस्तों निकालते हैं अपना पहला फोन जिसको रखते हैं यहाँ पर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर से क्या हमें देखने को मिलेगा। चलो ये है भाई बॉक्स और इसके अंदर दोस्तों होना चाहिए इसका कवर। तो यहाँ से ओपन होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि इसके बारे में है, जो कि कोई नहीं पढ़ता है, और इसके अंदर तो कुछ नहीं है। इसके अलावा इसको रखते हैं हम लोग साइट में। और ये है दोस्तों कवर जो कि भाई कुछ दिनों के बाद हो जाएगा पीला, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसके अंदर दोस्तों हमें एक बड़ा सा चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल रहा है और ये है दोस्तों 33W का फास्ट चार्जर। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर रखते हैं साइट में। और इसके अंदर है दोस्तों केबल जो कि है भाई टाइप सी, काफी सही है। सिम इजेक्टर टूल किधर मिलेगा? ओके ये रहा। तो इन सभी को दोस्तों रखते हैं अंदर। बात करते हैं हमारे मेन कंपोनेंट के बारे में जो कि इसके अंदर है हमारा मेन कंपोनेंट। और दोस्तों मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये है 6GB 64GB वाला और ये दोस्तों कॉस्मिक पर्पल कलर में है। तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। पैकेजिंग तो काफी सही है इसकी और देखो लुक इसका भाई, जैसे गैलेक्सी लग रही है भाई आसमान में, जो पूरा पूरा लगता है ना रात को दिखने पर, वैसा भाई वो लग रहा है फोन। और बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट फोन है, एक हाथ में आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं, मेड इन इंडिया। इसको हटाने के बाद भी काफी सही लगेगा। तो गाइस लुक इसका काफी कमाल का है, फिंगरप्रिंट तो भाई नहीं पड़ते हैं। और बैक साइड में देखो आप लोग कैमरा कितना कमाल का लग रहा है और ये जो कलर है कॉस्मिक पर्पल काफी सही लग रहा है। तो फोन को जल्दी से हम लोग कर लेते हैं बूट। तो फाइनली दोस्तों फोन को हम लोगों ने कर लिया है सेटअप। अब बात करते हैं भाई फोन के ओवरव्यू की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे तो फ्रंट में हमें एक डॉट कैमरा देखने को मिलेगा जो कि है 13MP का। इसके अलावा दोस्तों बैक रियर कैमरा की बात करें तो दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है हमें 64MP। इसके अलावा दोस्तों 8MP का अल्ट्रा वाइड और बाकी के 2-2MP के कैमरे मिलते हैं। साथ ही दोस्तों फ्लैश लाइट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस साइड में मिल जाता है वॉल्यूम के लिए अप डाउन बटन और एक पावर ऑन ऑफ बटन, साथ में दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर इसी में ही है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिम कार्ड के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमें आयर ब्लास्टर, माइक और यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग के लिए पोर्ट, यहाँ पर स्पीकर और 3.5mm जैक और एक और माइक हमें मिल जाता है। हो सकता है कि वो नॉइस कैंसिलेशन या फिर कॉलिंग माइक हो, नॉइस कैंसिलिंग माइक दोस्तों ये हो सकता है। ये दोस्तों इसका ओवरव्यू था। 6.43 इंच की वायो इसकी डिस्प्ले है। और यहाँ पर दोस्तों सिम कार्ड ट्रे को बाहर निकाल के देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मेमोरी कार्ड के लिए और 2 सिम कार्ड के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। और अभी दोस्तों हम लोग इसका फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी स्पीड में ये ओपन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो फोन तो भाई बंद है, अभी मैं टच करूंगा अपना थंब तो भाई काफी फास्ट है, आप लोग देख सकते हो। और बात करें दोस्तों इस फोन के फ्रंट कैमरा की, तो मैंने कुछ तस्वीरें ली हैं फ्रंट कैमरा से इनडोर में, आप लोग देख सकते हो कि कैसी तस्वीरें आई हैं। और अब बात करते हैं भाई वो बैक कैमरा की जो कि है 64MP का। इसके बैक कैमरा से ली गई तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, तो देखिए कैसी आई हैं। अब दोस्तों हम लोग इस फोन की सेटिंग में जाते हैं और भी चीजें चेक करते हैं, जैसे कि अबाउट फोन में हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए MIUI वर्जन ग्लोबल
12.5.7 स्टेबल है और यहाँ पर स्टोरेज ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों एंड्रॉइड 11 पे रन करता है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये दोस्तों घड़ी आ गई, ऐसे घड़ी हम लोग घुमा सकते हैं। 11 बज चुके हैं, पता नहीं 11 तो नहीं बजते यहाँ पर कभी भी। और अब बात करते भाई इस फोन की प्राइस की, तो ये दोस्तों आता है 3 वेरियंट में, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया 6GB 64GB। तो मेरे पास है भाई 6GB 64GB वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स में। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए 6GB 64GB कॉस्मिक पर्पल। इसकी दोस्तों जो प्राइस है ऑनलाइन वो है 12,999। इसके अलावा दोस्तों इसका जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, उसकी प्राइस है 14,999। इसके ऊपर दोस्तों तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, उसकी प्राइस है 16,499 यानी कि 16,500। तो ये दोस्तों इसकी प्राइस है, और प्राइस के अंदर दोस्तों काफी बेस्ट है। 33W का चार्जर मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या चाहिए, यही दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है। और अभी दोस्तों फ्री फायर मैक्स भी इंस्टॉल हो रही है, तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों फ्री फायर हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली है, अब देखते हैं कि ये चालू होने में कितना टाइम लगाती है। यहाँ पर चालू कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों इतना टाइम लगा यहाँ तक चालू होने में। अभी हम लोग दोस्तों एंटर करते हैं, अभी दोस्तों हम लोग ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ओपन हो जाएगी। अभी कैसे हम लोग सेटिंग में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी सेटिंग में चल रही है। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो अल्ट्रा नॉर्मल में भी ये चल रही थी, तो अभी हम लोग दोस्तों इसको हाई कर देते हैं। मैक्स कर सकते हैं, मैक्स में भी हाई कर सकते हैं। हाई फोटो स्केल को ऑफ कर देते हैं। और अभी दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिल रहा, हम लोगों ने सब अल्ट्रा कर दिया अभी। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग कोई भी एक चालू कर देते हैं राउंड, और अभी का इस पता चल जाएगा कि गेम कैसे चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने सब मैक्स कर दिया है, जितना था सब बढ़ा दिया इसमें, इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि इसमें मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर लगा हुआ है। और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फोन में कभी नहीं खेलता फ्री फायर, पीसी में खेलता हूँ, मैं पीसी प्लेयर हूँ, शायद आप लोग जानते हो। और दोस्तों हो सकता है कि अगर आप लोग अल्ट्रा में ज्यादा खेलने जाओ तो फोन हीट होने लग जाए, क्योंकि नया फोन है तो शुरुआत में तो हीट नहीं होगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि परफॉर्मेंस में या फिर FPS या सब दोस्तों समझ सकते हो कि फ्रेम रेट ड्रॉप हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भाई हेड तो मेरे से अभी पीसी में लगते हैं, इसमें नहीं लगते। ये सब मैक्स कर देते हैं, और गर्मी बहुत लग रही है भाइयों। और भाई गर्मी बहुत है, तो रूम के अंदर इतनी गर्मी लग रही है, तो फोन भी गर्मी के कारण हीट हो सकता है, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है भाई हमारे यहाँ पर 40+ पड़ती है, 40+। और अभी पंखा भी बंद है, मैं तो भाई पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो देखो भाई ऐसी गेम चल रही है भाई इसमें, और फोन थोड़ा सा हीट मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अल्ट्रा भी कर दिया और गर्मी भी बहुत है, इसकी वजह से मेरा पीसी भी गर्म हो जाता है, मैं खुद भाई हीट हो चुका हूँ गर्मी से, क्या ही बताऊँ। तो फोन तो भाई एक डिवाइस ही है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है। तो यही दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाना।